जयंत की दगाबाजी के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने पुराने दोस्त पर दागा बारूद और ऐसा तंज कसा कि तिल मिला गए नल वाली पार्टी के नेता। जयंत चौधरी के चवन्नी बयान पर अखिलेश यादव ने लिए मजे और एक ऐसा जुमला कहा जिसने जलजला मचा दिया। जयंत को जवाब देते नहीं बन रहा। अखिलेश यादव के पलटवार से सियासत में हाहाकार, लेकिन अब की बार बदले सियासी रंग और तेवर, कईयों की नैया डुबाने का करेंगे काम। वैसे तो पुराने सियासी साथियों पर वार करने से अखिलेश यादव परहेज करते हैं और कभी भी अगर बात करते भी हैं तो गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जयंत चौधरी की चौधराहट को अखिलेश यादव ने ललकारा है और ऐसा तंज कसा है कि अब आरएलडी चीफ की बत्ती गुल होती दिखाई दे रही है। उन्हें एहसास नहीं होगा कि अखिलेश यादव ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सपा चीफ ने बोल दिया है और ऐसा बोला है कि अब सियासत में हाहाकार के हालात दिखाई दे रहे हैं। चवन्नी समझा है क्या वाले बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने जयंत की लंका लगाने का काम किया है और आवाम के सामने इनकी सियासी चालबाजियों की पोल खोल दी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिजनौर सीट से सपा के प्रत्याशी दीपक सैनी के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा। जयंत ने पिछले दिनों पटखनी देने और शतरंज की चाल वाला बयान दिया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे साथ आकर के रुपया बन गए थे वो घोड़े की ढाई चाल से किधर जाके गिरे किसी को नहीं पता। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जाने कौन सा पैकेज मिल गया, हम तो शतरंज नहीं जानते लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। बीजेपी की घोड़े की ढाई चाल से वो दल पता नहीं कहां चला गया। इसीलिए ये चुनाव आपके और हमारे भविष्य का चुनाव है। ये 400 लोकसभा सीटें जीतकर संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। बिजनौर में चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि सोचिए कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो काले कानून लागू करेंगे कि नहीं होंगे। अगर 400 जीत गए तो हमारी आपकी खेती और खेत में उगने वाली चीजें ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमने आपने ऐसा पढ़ा है इंडिया इंडिया होता है। बीजेपी वाले बताओ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन। सोचिए जो लोग इंडिया गठबंधन नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें इस चुनाव में कौन वोट देगा। किसानों के मुद्दों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, सालों साल किसान धरने पर रहे, वो मांग कर रहे थे कि MSP चाहिए, तीनों काले कानून हमें नहीं चाहिए। तब आपने देखा कैसे फोर्स लगा दी, कील लगा दी बॉर्डर पर, किसान गर्मी सर्दी बरसात में बैठे रहे। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जहां किसान दुखी है नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ साथ उनके नए नए सियासी दोस्त बीजेपी को भी ऐसा ललकारा कि सब देखते ही रह गए। तो वहीं अखिलेश यादव के भाषणों पर जमकर तालियां बजी और लोग खड़े होकर अपना समर्थन जता रहे थे, जिससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सपा का कुछ तो असर जरूर देखने को मिलेगा और इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जरूर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।